हमारे पास जो डीलर्स भी जुड़ते हैं, तो डीलर्स हमारे बल्क में ऑर्डर देते हैं, जो इस तरीके से हमारी गाड़ियां लग जाती है, 2 से 3 ट्रक हमारे पर डे के निकलते हैं जो हमारे डीलरों के पास बल्क में ऑर्डर जाता है। ठीक है, तो और हमारी बाकी बॉक्सिंग की बात करते हैं, तो इस तरीके से हमारे जो मशीन है वो बॉक्स में पैक होके जाती है, इस तरीके से हम चीज सुरक्षित तरीके से पहुँचाते, मतलब कोरोगेटेड बॉक्स के ऊपर ही वुडन का लगाते हैं। जी जी हाँ, ताकि हमारे जो क्लाइंट के पास जब चीज पहुँचे वो सुरक्षित तरीके से पहुँचे, कोई टूट फूट ना रहे। ठीक है, अच्छा मैम, मैं देख रही हूँ जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वहाँ तक मशीन ही मशीन है, मतलब अलग अलग तरह की भी मशीन होती है आपके पास में? जी मैम बिल्कुल, अभी आप जहाँ पे खड़े हो वो एक तरीके से वर्ल्ड ऑफ मशीन है, यानी कि मशीनों की दुनिया में आप खड़े हुए हैं। जी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप पीछे देख सकते हैं हमारी मशीन किस तरीके से बन भी रही, वो भी मैं अभी आपको लाइव दिखा दूंगी जी, कि मशीन हमारी किस तरीके से बनती है। आप नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रतिमा पांडे और आज मैं आपके लिए ऐसा धमाकेदार लेकर, ये मेरे बगल में छोटी सी मशीन है जो कि आपको महीने की लाखों रुपए की कमाई करके देगी। आप इस मशीन से पर डे का 4 से 5 हजार रुपए कमा सकते हैं। साथ ही साथ एक हाइलाइटेड पॉइंट है, अगर आप इस मशीन को परचेज करते हैं आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारी स्टेट की सरकार है जो आपको इस तरह का बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ केंद्र सरकार भी इस चीज पर प्रेशराइज करती है कि आप अगर लघु उद्योग स्टार्ट करते हैं तो आपको सरकार भी सपोर्ट करने के लिए बैठी है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अगर अच्छी लगे कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट में बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कौन से मैन वाकी लोगों को मेरे चैनल पे मिलते रहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट आपका हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट करके जरूर बताइए क्योंकि उससे हमें ये पता लगता है हमारी वीडियो की स्पैन रेट कहां तक जा रही है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले ओवरव्यू आपको देती हूं। मैं आपको लेकर आ गई हूं कैसे इंटरनेशनल कंपनी में, यहां पर आपको बहुत सारी मशीन्स मिलने वाली है। ये फिलहाल आपको मशीन दिखाने वाली हूं, छोटी सी मशीन जिससे पर डे का आप 4 से 5 हजार रुपए कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं उसकी सारी जानकारी पूजा जी आपको देंगी, किस तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग रहेगी, मशीन कैसे वर्क करती है और कहां पर इन प्रोडक्ट की डिमांड होती है। सो बुलाते हैं पूजा जी को। पूजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे व्यूअर्स के लिए आज क्या बिजनेस आइडिया लेकर आई है? आज मैं दर्शकों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ, बिजनेस लेकर आई हूँ जो हर घर में चलता है, यानी कि होता है ना स्वच्छता की ओर लाता है, गंदगी को दूर भगाता है। बिल्कुल, तो मैं आज बताने जा रही हूँ डिटर्जेंट मेकिंग मशीन के बारे में, यानी कि सरफ बनाने वाली मशीन। बिल्कुल, और सरफ एक ऐसी चीज है आजकल की इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में कोई साबुन घिसना नहीं चाहता है, सभी चाहेंगे टाइम ही नहीं है लोगों के पास, आराम से मशीन में सरफ डालेंगे, सरफ के अलावा उसमें क्या है, बस मशीन ऑन करना है, कपड़े आपके धुले हुए मिलेंगे। बिल्कुल, तो साबुन तो कोई नहीं घिसना चाहता, इसलिए ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो सालों साल हर डे पर डे यानी कि हर टाइम चलने वाला बिजनेस है। तो इसकी प्रोडक्शन वगैरह की बात करें, मशीन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, तो मैं आज मशीन की पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। तो ये मशीन है, इसमें 3 मशीनों का सेटअप आता है जी, यानी कि हमारे पास जो अभी मशीन आप देख रहे हैं ये है मिक्सर मशीन। ठीक है, फर्स्ट मशीन आती है इसमें मिक्सर मशीन का जो काम होता है, जैसे की मिक्सिंग का वर्क करती है जी, जो हमारा केमिकल्स आता है, रॉ मटेरियल आता है, कच्चा माल इसमें मिक्स होता है, मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद क्या है, फिर उसके बाद सर्प का सूखना और छनने का काम रह जाता है। अच्छा, ग्रेट। तो उसके लिए हमारी एक सेकंड मशीन आती है, केज मिल मशीन। तो केज मिल मशीन भी आपको दिखा दूंगी हमारे जस्ट नेक्स्ट पार्ट इसका, हाँ नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगी कि केज मिल मशीन कैसी दिखती है, उसका जो वर्क रहता है, आपका यहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगा, मिक्स होके सेकंड मशीन में जाता है, उसमें सर्फ आपका सूखेगा और छनकर रेडी हो जाता Great. है। मतलब एक तरीके से आपका 2 मशीन में तो आपका रेडी हो जाएगा, सर्फ तैयार हो जाएगा। इसके अलावा फिर बात आती है पैकिंग का, तो पैकिंग के लिए हमारे पास एक तीसरी मशीन आती है, बैंड सीलर मशीन जी। तो बैंड सीलर का वर्क क्या रहता है, हमारे पास पूरा एक पाउच आता है, पाउच को सीलिंग करने का वर्क हमारी बैंड सीलर मशीन करती है। ठीक है, मतलब लास्ट में सीलिंग का काम होता है। हां, लास्ट में सीलिंग का काम करती जी, है। ठीक है, अच्छा मुझे ना थोड़ा सा प्रोडक्शन के बारे में बताइए, क्योंकि प्रोडक्शन मेन होता है कि कितना पर घंटे का या फिर कोई पर डे प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है? बिल्कुल, देखिए प्रोडक्शन की बात करते हैं जी, सबसे पहले ये बात करते हैं, जो अभी आप देख रहे हैं ये हमारा 50 केजी पर आवर का प्रोडक्शन देगा। अच्छा, 50 केजी पर आवर का। ठीक है, अच्छा मतलब इसमें जो रॉ मटेरियल वगैरह वो जो बनावट जो है, 1 किलो के माध्यम से आप बताएं कि 1 किलो कितने रुपए में तैयार होता है, मार्केट में कितने रुपए में सेल होता है, अगर कोई इसे होलसेल में सेल करना चाहे, अगर कोई रिटेल में सेल करना चाहे, रिटेल में सबको बताया कि 50-60 रुपए इजिली हो जाता है, कोई होलसेल में सेल करना चाहेगा उसका क्या प्राइस? जी मैं वो भी बताने जा रही हूँ, अभी तो मैंने ये 50 केजी पर हावर का प्रोडक्शन की बात करी, इसके बारे में पूरी डिटेल में बता देती हूँ। इसके अलावा हमारे पास इससे बड़े भी मिक्सर हैं, वो बजट पे डिपेंड करते हैं क्लाइंट्स के, अगर उनके पास ज्यादा बजट है, उनको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए,
तो इससे बड़े भी मिक्सर हमारे पास से ले सकते हैं जिसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है ठीक है। हाँ। तो जो एक किलो का बताइए प्राइस कितना, एक किलो का क्या प्राइस बनेगा? अगर बात करते हैं एक केजी के प्रोडक्शन की, एक किलो हम कितने में रेडी करते हैं प्रॉफिट और मार्जिन की, एक केजी बनाने की जो कीमत रहती है 17 से 18 रुपए, 17 से 18 रुपए किलो, जिसको हम होल सेल में भी 30 रुपए पर केजी का बेच सकते हैं मार्केट में। अच्छा, मतलब इजीली, जैसे एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि अगर आपका अच्छा एरिया है तो उसी हिसाब से होगा, अगर आपका थोड़ा स्लोएस्ट एरिया तो थोड़ा सा 1-2 रुपए प्राइस गिर जाता है, बट अच्छे खासे मार्जिन पे सेल किया जा सकते हैं। अगर आप होल सेल में सेल करना चाहते हैं, बहुत सारी शॉप्स होती है, किराना की शॉप्स होती है, स्टोर होते हैं जहाँ पर आप बल्क क्वान्टिटी में भेज सकते हैं। मशीन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताइए। ये जो हमारे पास जो फुल एसएस बॉडी का हमारे जो मशीन रहती है फुल एसएस बॉडी की रहती है 304 की। इसके अलावा बात करते हैं ये स्पेस कितना लेता है एंड बिजली की खपत कितनी रहती है। तो स्पेस ज्यादा नहीं, आपके घर में अगर 10x10 का रूम है उसमें भी ये तीनों मशीनों का सेटअप लगाकर आसानी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और बात करते हैं बिजली की खपत की, तो ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारे घर में फ्रिज कूलर पंखा जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं चलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये मशीन भी उस पर आपकी आसानी से चल जाएगी। ठीक है। और इसमें ज्यादा बिजली की खपत नहीं होती है। ठीक है। बात कर लेते हैं ब्रांडिंग की, कोई अपने ब्रांड में काम करना चाहे तो भी कर सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए भी हमारे प्रिंटिंग डिपार्टमेंट्स होता है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं जिससे अपना वो ब्रांड भी बनवा सकते हैं मार्केट में अपना ब्रांड। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो ब्रांड भी बनाना चाहेगा, क्योंकि आज की डेट में ना हर कोई चाहता है कि मेरे नाम का एक ब्रांड हो, तो उसमें भी कंपनी डील करती है। आप सपोर्ट यहां से ले सकते हैं प्रॉपर, स्क्रीन पर जो नंबर चलेंगे उस नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी डेमो स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें बीच बीच में करते रहते हैं। कैसे इंटरनेशनल कंपनी से हमारे साथ में इंजीनियर जुड़ चुके हैं शंभू जी। शंभू जी क्या क्या डाल रहे हैं आप इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए? इसमें डायनामाइट नमक सोडा डाला हुआ है। ठीक है। ये सेलरी डाल रहे हैं। अच्छा जी। ठीक है। सेलरी डालकर इसको चालू कर दिए, मिक्स हो जाएगा। अच्छा, एक मतलब फिर से स्टार्ट हो जाएगी ना? अब ये क्या डाल रहे हैं? ये कास्टिक है, कास्टिक। अच्छा। ये ओएस पाउडर। अच्छा। कलर दाना। कलर जिससे आ जाता है? कलर दाना नहीं, वो कलर नहीं, मतलब गने गने रहता है ना वो वाली है। अच्छा। ये है CVX। क्या है? CVX जो कपड़ा को मुलायम करता है खींचला के बाद। कपड़ा को मुलायम करता है जी। अच्छा। ये क्या है? ये परफ्यूम है। परफ्यूम जी, जिसे मतलब खुशबू आए। यहाँ खुशबू आता है इससे। अच्छा। तो शंभू जी अभी ये क्या प्रोसेस कर रहे हैं? ये अब रेडी हो गया, अभी इसमें से जाएगा इसमें केज मिल में। अच्छा। जैसे एक बारीक बारीक रह जाता है ना ये सब। हाँ हाँ। ये सब बारीक बारीक रह जाता है। अच्छा। इसमें डालने के बाद में पीस के दम महीन कर देगा ऐसा। ठीक है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। जी ठीक है जी। इसको अभी इसमें ले जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ट्रांसफर करेंगे। हाँ, इसको बोलते हैं केज मिल। इसका काम है आप पीसने का, हल्का सुखाने का काम है। ठीक है जी। ओके, मतलब ड्राई कर देगा ना पाउडर? हाँ, ड्राई कर। ठीक है। तो पूछो जी, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? जैसे कि आपने देखा मिक्सर में आपका ये सारा रॉ मटेरियल मिक्सिंग हो गया है, किस तरीके से मटेरियल हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब इसके बाद आता है इसमें थोड़ा थोड़ा आपने देखा होगा अभी ये प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं है। ठीक है। ये थोड़ा सा गिल्ट भी इसमें पड़ी हुई है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, मतलब पाउडरी फॉर्म में नहीं है। जी जी। अभी ये थोड़ा सा गीला भी लग रहा है, तो इसको सुखाने के लिए और जो इसके गिल्ट है महीन करने के लिए ये सेकंड मशीन आती है हमारी केजविल मशीन। ठीक है। तो ये केजविल मशीन में आप देन आएगा इसके बाद, तो केजविल मशीन में हमारा प्रॉपर रेडी हो जाएगा, इसमें सूखेगा शनकर रेडी हो जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में इसको चलाया जाता है। हाँ जी। अच्छा, अभी मशीन चल रही है? हाँ जी, ये चल रही है। इसमें थोड़ा और कम हो रहा है, चल रही है अभी। इसको गर्माई तो
अजय प्रॉपर इसे निकल रहा है यहाँ पे ना? हाँ जी, यहाँ पे जो हमारा सर्फ होता है प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली किस तरीके से इतना साफ और क्लियर आपको दिख रहा है। जो हमारा सर्फ है रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद का जो है प्रोसेस वो पैकिंग का प्रोसेस रह जाता है ना? इसके बाद अब रेडी हो गया। बात आती है पैकिंग की, तो इस मशीन से इस तरीके के हमारे पाउच आते हैं जैसे कि, तो सीलिंग का वर्क हमारी ये मशीन करती है। इसमें अब ये जो रोम आपका सर्फ होगा इसमें भर जाएगा, भरकर बस एक सीलिंग की जरूरत रहती है, तो इसमें सील कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं थर्ड मशीन का जो वर्क है एक तरीके से सीलिंग का वर्क होता है जी। और ये किस तरीके से सीलिंग हो रहा है पाउच यहाँ पे बनकर हमारा जो मटेरियल है हमारा सर्फ है पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। ठीक है, रेडी होकर अब पैकिंग भी हो गया जो मार्केट में बेचने के लिए रेडी है अभी। ठीक है, तो एंड प्रोसेस यही रहता है ना? हाँ जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट जो है तैयार करके मार्केट में अच्छे खासे प्राइस पे सेल कर सकते हैं। ये जो है प्रॉपर सील हो गया है। तो मैम यहाँ आपकी मशीन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? जी हाँ मैम, दिखा एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए हमारे यहाँ केशिया कंपनी में किस तरीके से हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है किस तरीके से होती है, किस तरीके इन हाउस मतलब प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्रॉपर तरीके से यहाँ हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अभी हमारे वर्कर काम कर भी रहे हैं। और क्या है, देखिए रॉ मटेरियल किस तरह बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल यहाँ पे लगाया जाता है जिससे कि हमारी मशीनें बेस्ट क्वालिटी की बनकर रेडी हों। ठीक है, मतलब कस्टमाइजेशन भी यहीं पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, मशीन अगर कोई परचेज करना चाहे तो कहाँ पे आना पड़ेगा? हाँ, तो मैम अगर कोई भी व्यक्ति मशीन परचेज करना चाहता है, क्लाइंट्स हमारा आना चाहता है, तो हमारी कंपनी भी विजिट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हमारी ऑनलाइन सर्विस भी है, ऑल स्टेट ऑल इंडिया कहीं भी वो बैठे हैं तो उन्हें घर बैठे मशीन भी मिल जाएगी। ठीक है, और मशीन लेने के लिए उन्होंने हमारी जो कंपनी का नाम है केशिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो दिल्ली मुंडिका में पड़ता है नियर बाई राजधानी पार्क मेट्रो पिलर नंबर 456 उसके जस्ट सामने एक रेड कलर का गेट दिखेगा उसमें विजिट करिए, हमसे मिलिए, हमारी मशीनों को देखिए। ठीक है, सो गाइस पूजा जी ने आपको सारी जानकारी दी किस तरीके से मशीन चलती है, किस तरीके से वर्क करती है, साथ ही साथ ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे सेल होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर हर किसी के घर में उपयोग किए जाते हैं। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट में बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड मार्केट लॉग मेरे चैनल में मिलते रहते हैं। कॉमेंट करके जरूर बताएं किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बाकी कैसी लगी वीडियो बताएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, टिल देन बाय बाय।